तो गाइस अभी तक क्या हो रहा था, YouTube की तरफ से बहुत कमाल कमाल की अपडेट निकल कर आ रही थी जिससे छोटे क्रिएटर और बड़े क्रिएटर का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन गाइस अभी YouTube की तरफ से दो ऐसी बैड अपडेट निकल कर आ गई गाइस, जिसमें एक शॉर्ट को लेकर भी अपडेट आई है। इससे अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इन दोनों अपडेट में कौन सी अपडेट ज़्यादा बुरी लगी है। तो चलते हैं अपडेट नंबर वन की तरफ। तो गाइस जो पहली अपडेट आ रही है ना, वो आ रही है यूट्यूब स्टोरी को लेके। गाइस आप लोगों को पता होगा जब हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो हमें एक स्टोरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि हमारे चैनल पर स्टोरी का एक फीचर अनलॉक हो जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है गाइस, हम एक शॉर्ट स्टोरी को तैयार करते हैं, यानी कि एक शॉर्ट वीडियो को तैयार करते हैं और उसे अपनी स्टोरी पर लगा देते हैं, तो ये हमारे चैनल पर 7 डेज तक रहती है, ठीक है। और ये अदर लोगों को दिखाती है, यानी कि जो न्यू व्यूवर्स होते हैं ना उन तक स्टोरी पहुंचती है। वो क्या करते हैं, उस स्टोरी पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेते हैं, तो अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो स्टोरी का एक बड़ा फ़ायदा ये था गाइस, इससे सब्सक्राइबर बढ़ते थे। लेकिन गाइस अब क्या होगा ना, ये स्टोरी टैब को YouTube जल्द रिमूव करने वाला है, और कब रिमूव करने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस YouTube का कहना यह है कि आपको YouTube की तरफ से बहुत सारे फीचर और मिल गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब मिला हुआ है, तो कम्युनिटी टैब में आपको और भी फीचर्स मिल गए हैं, जैसे कि आपको क्रिएटिव पोस्ट का है, पोल का है, एंड अदर और भी फीचर्स हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। साथ में आपको यूट्यूब शॉर्ट क्रिएट का ऑप्शन भी मिला हुआ है। तो इतने सारे आपको फीचर्स मिल गए, तो स्टोरी का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए गाइस यूट्यूब स्टोरी के ऑप्शंस को रिमूव कर रहा है। तो अब गाइस मैं आपको बताता हूँ जो आपके YouTube का स्टोरी का ऑप्शन है ये कब आपके चैनल से रिमूव कर दिया जाएगा। 26 जून 2023, जी हाँ गाइस 26 जून 2023 से हमारे चैनल से स्टोरी का टैब को हटा दिया जाएगा, यानी कि अब हमें स्टोरी का टैब देखने को नहीं मिलेगा। खत्म, बाय बाय टाटा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये अपडेट कैसी लगी। और हाँ गाइस, चैनल पर चैनल प्रमोशन चल रहा है, अगर आप लोग चैनल प्रमोशन भाग लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारी सी कमेंट कर देना, हो सकता है अगला विनर आप हो जाए। तो फाइनली आज का हमारा जो विनर है उस चैनल का नाम है फाइटर ब्रांड इज लाइव। तो गाइस चलते हैं अपडेट नंबर टू की तरफ। तो देखो गाइस ये है शॉर्ट क्रिएटर के लिए, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है गाइस, आपके व्यूज डाउन होने वाले हैं, जी हाँ गाइस। तो देखो गाइस यूट्यूब का जो दूसरा बैड अपडेट यही है गाइस, अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं तो अब जो भी बंदे आपकी वीडियो को देखेंगे ना तो वो आप स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। पहले क्या होता है ना, हम लॉन्ग वीडियो को स्किप करके देख लेते थे, डबल टैप कर करके स्किप कर लेते थे 10-10 सेकंड पर, इस तरह से गाइस हम उसको स्किप कर लेते थे। अब गाइस क्या होगा ना, आप अगर एक शॉर्ट क्रिएटर है ना, अगर आप अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करोगे तो गाइस कोई भी बंदा आपकी वीडियो को स्किप करके देख लेगा, ठीक है। नीचे इस तरह से एक पॉइंट आएगा, इस तरह से स्किप कर देगा, तो आपकी वीडियो मतलब आपका जो वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है ना, यानी कि आपका जो AVD है ना वो नहीं बढ़ेगा, इससे गाइस आपकी वीडियो डाउन चली जाएगी, यानी कि आपकी शॉर्ट वीडियो है ना वो बूस्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गाइस आपकी वीडियो पे AVD यानी कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, तो आपकी वीडियो आगे कैसे जाएगी गाइस। और शॉर्ट फीड में गाइस शॉर्ट वीडियो जब ही जाती है जब आपकी वीडियो को कंप्लीट देखा जाए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया जाए, ठीक है। अगर आपकी वीडियो को कंप्लीट देखा जाएगा जब ही आपकी वीडियो बूस्ट मारेगी और आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में जाएगी। लेकिन अब क्या होगा गाइस, जब आपकी कोई भी वीडियो को स्किप करके देख लेगा तो आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में कैसे जाएगी, आप खुद ही बताइए। तो बहुत सारे क्रिएटर है ना वो शॉर्ट वीडियो बहुत दिमाग लगा के बना रहे थे, वो शॉर्ट वीडियो के एंड में कुछ ऐसा सस्पेंस रखते थे जिससे बंदे क्या करते थे ना पूरी वीडियो को देखते थे एंड तक। लेकिन गाइस अब अगर वो इस तरह की वीडियो बनाएंगे, यानी कि शॉर्ट वीडियो में लास्ट में वो कुछ सस्पेंस डालते हैं ना, तो गाइस क्या होगा ना, तो जो भी उनकी वीडियो को देखेगा वो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ले जाएगा, स्किप कर देगा और लास्ट में उसका सस्पेंस देख लेगा, तो इससे वीडियो का इंप्रेशन डाउन हो जाएगा जिससे आपकी वीडियो डेड हो जाएगी। तो आप गाइस बताइए कि इन दोनों अपडेट में आपको सबसे बुरी अपडेट कौन सी लगी। और गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, तो आपको इसी तरह की यूट्यूब हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी।